Sir, fluctuation. समझ में नहीं आ रहा है. What does the graph say? Stocks are going up. Stocks are going down. Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 20th अगस्त 2019 वेनसडे है. सुबह के 8:14 हो रहे हैं. तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का. लास्ट टू ट्रेडिंग सेशन हमने देखा निफ्टी इंडेक्स में, स्मॉल कैप इंडेक्स में, मिड कैप इंडेक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला. तो क्या ये तेजी अब एक्सटेंड होगी और ये रैली टूवर्ड्स अपसाइड मूव कर सकती है? तो कर सकती है. तो बीच में हर्डल्स कहाँ पर है ये आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद इंट्राडे स्ट्रैटेजी आज क्या होगी ये भी देखेंगे. लेकिन उससे पहले जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं ट्रेडिंग फैब के बारे में एक छोटा सा इंट्रो देना चाहूँगा. ट्रेडिंग फैब एक ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है. अगर आप इन तीनों में से कोई एक अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते तो हमारे जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको फ्री में लाइफ टाइम के लिए मिल सकती है. तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, इन तीनों में से कोई एक, जैसे कि अगर मान लीजिए आप ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पर एक क्लिक करना है और आपका यहाँ पर 10-digit मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है और जैसे ही OTP आएगा तो वो OTP डालकर आपको रजिस्टर करना है. तो जैसे ही डीमैट अकाउंट से कॉल आ जाएगा तो आपकी अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी और एक बार अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपको हमारे इस नंबर पे कॉल करके आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको कंफर्म करना है ताकि हम आपको प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें. तो ये था ट्रेडिंग फैब के बारे में एक छोटा सा इंट्रो. सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है 27th अगस्त यानी कल का आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया है. कल एक इनडिसिजिव पैटर्न था कल का. अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. तो कल ये ब्रेकआउट लेवल हमारा बन रहा था 11,072 के पास और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,032 के पास. ये 10 मिनट का चार्ट है. शुरू में तो ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ कल भी, और जैसे टुवर्ड साउथ की तरफ आया तो हमारा ये जो ब्रेकआउट लेवल था वो उसने एग्जैक्ट यहाँ पर सपोर्ट का काम किया और यहाँ से बाउंस बैक दिखाकर जैसे ये टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव हुआ तो हमारा फर्स्ट टारगेट 11,140 ये यहाँ पर अचीव्ड हुआ. और आप जैसे कि देख रहे एग्जैक्ट कल इसने ये 11,140 का ही हाई लगाया और यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके इसी रेंज के बीच में ये ट्रेड हो रहा था. तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 30,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. इस लेवल ये जो था 11,140 ये प्रीवियस स्विंग हाई था जहाँ से निफ्टी इंडेक्स ने एक फॉल दिखाया था, एक करेक्शन दिखाया था. तो एग्जैक्ट कल यहाँ पर इसने फिर से एक बार रेजिस्टेंस फेस किया. ये मेजर हर्डल का काम कर रहा था कल. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं. कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स, नासडैक लाल निशान के साथ बंद हुए और यूरोपियन मार्केट देखे तो लंदन मार्केट फिर से दूसरे दिन ये प्रेशर के साथ ट्रेड कर रहा था, लाल निशान में बंद हुआ. हालांकि फ्रांस और जर्मन मार्केट हरे निशान में बंद हुए. आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो जापानीज इंडेक्स और चाइना इंडेक्स में हमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है. डाउ फ्यूचर की बात करें तो 64 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है डाउ फ्यूचर में और एसजीएक्स निफ्टी हल्के से बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है. तो चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस को शुरू करते हैं. वीकली चार्ट से शुरू करेंगे. यह है निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट. हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था. ये जो प्रीवियस वीक का लो मिला है नया, उसको लो और ये टॉप को पकड़ के ये हमने ड्रॉ किया था. तो ऊपर में ये जो 38.2% का लेवल है 11,197 ये ऑलमोस्ट 50 EMA के पास आ रहा है यानी इस ब्लू लाइन के पास. तो 11,200 ये अभी स्ट्रांग यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है. हम पास कई सारे वीडियोस से कहते आ रहे हैं ये जो ऊपर अभी 50 EMA है और ये नीचे 100 EMA इस रेंज के बीच में ये लास्ट 4 वीक से ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन पैटर्न बना रहा है. जब भी डाउन ट्रेंड आता है तो बीच में एक पॉज आ जाता है तभी यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलता है. फिर इसका अपर बैंड जो है और ये लोअर बैंड जो है इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हमें नेक्स्ट आने वाले ट्रेंड के बारे में कंफर्मेशन देता है. अभी ये जो साइडवेज पैटर्न चल रहा है इसका अगर ये अपर बैंड ब्रेक करता है तो ही हमें यहाँ से अपसाइड मूव यानी इसके ऊपर कोई डिसीजिव मूव
यहाँ पर दिखाई देती है तो यहाँ से अपसाइड मूव हमें देखने को मिलेगा, या फिर अभी भी प्रेशर है ग्लोबल मार्केट में, जो ट्रेड वॉर का टेंशन बना हुआ है उससे ग्लोबल ग्रोथ के बारे में चिंता जताई जा रही है। तो फंडामेंटली अभी भी प्रेशर है, अगर ये लोअर बैंड को ब्रेक करता है तो निफ्टी इंडेक्स में यहाँ से और भी टूवर्ड्स डाउनवर्ड मूव हमें देखने को मिल सकती है। तो अभी यहाँ पर एक एज पर वीकली चार्ट एक साइडवेज पैटर्न चल रहा है, तो ये है डेली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अगर हम कैंडलस्टिक का एनालिसिस करें, लास्ट थ्री कैंडलस्टिक का, तो फर्स्ट तो यहाँ पर ये जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक बना है, ये क्लोजिंग रिवर्सल पैटर्न बना था, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक। फिर इसके बाद परसों यानी मंडे को यहाँ पर हमने देखा एक रोलर कोस्टर टाइप का ट्रेडिंग हुआ था, और यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ था और जस्ट 20 एमए के ऊपर आके ये क्लोज हुआ था। तो जैसे प्रीवियस पास्ट में कुछ दिनों पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था ये 20 एमए के पास, इसके ऊपर अभी ये क्लोज मिला है और कल इसने डोजी टाइप का ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन किया। डोजी यानी जहां पर ओपन हुआ था उसी के पास आकर क्लोज हुआ, यानी यहाँ पर इनडिसिजिव पैटर्न है, बुल्स और बियर्स में कंफ्यूजन है। अगर यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक बनता था तो और चांसेस थे कि यहाँ से और भी स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव आए, लेकिन कल यहाँ पर एक कंफ्यूजन बना है। तो ये जब भी डोजी पैटर्न बनता है तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने के भी चांसेस रहते हैं। तो यहाँ से अगर 20 ईएमए को ये सस्टेन करता है, यानी इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है आज में, तो चांसेस हो सकते हैं कि ये और भी टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़े। अगर ये यहाँ से और प्रेशर दिखा था और फिर से एक बार 20 एमए को ब्रेक करता है टूवर्ड साउथ की तरफ, तो यहाँ से और भी हमें निफ्टी इंडेक्स में टूवर्ड साउथ की तरफ मुंह दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल अगर ऊपर जाना है तो 11,200 का ये फर्स्ट हर्डल होगा, उसके बाद में यहाँ पर मूविंग एवरेजेस आ रहे हैं, मिड टर्म मूविंग एवरेज और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज डेली चार्ट में, ये अराउंड 11,300 से 11,350 तक है। तो इसके बीच में भी हो सकता है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस करे और उसके बाद ये यहाँ पर एक साइडवेज पैटर्न दिखा के अपसाइड मूव दिखाए। हालांकि अभी फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है तो लोग काफी खरीदारी करते हैं, कंजप्शन बढ़ेगा, मार्केट में सेल जो है वो जहाँ पर मंदी आई थी वो बढ़ने की उम्मीद है, तो दिवाली तक हो सकता है यहाँ पर एक पॉजिटिवनेस देखने को मिले। हालांकि इसे ये 20 एमए का ये जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है इसके ऊपर सस्टेन करना काफी जरूरी है। तो यह डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एक बार 60 मिनट के चार्ट में भी ये आरएसआई को अगर हम आइडेंटिफाई करें, ये 60 मिनट का चार्ट है, इसमें आरएसआई को भी हमने ऐड किया हुआ है। अगर आरएसआई को देखें तो यहाँ पर ये 70 के लेवल के पास, 70 to 100 ये ओवर बॉट जोन माना जाता है। तो जैसे ही ये यहाँ पर 70 के लेवल के पास आता है तो यहाँ से थोड़ा प्राइस में एक करेक्शन देखने को मिलता है, एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पर ऊपर ये 70 के पास आया आरएसआई और फिर यहाँ से एक सा करेक्शन देखने को मिला, ये 70 के आसपास लगभग आया था और ऊपर हमें यहाँ से एक करेक्शन देखने मिला। अभी कल भी यहाँ पर एक इनडिसिजिव पैटर्न था, ना ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था, तो कन्फ्यूजन था। और RSI भी 60 मिनट के चार्ट में 70 के पास है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी ये फॉरन ऐसे नीचे आ जाएगा, साउथवर्ड मूव दिखाएगा। हो सकता है ये यहाँ से इस ये जो कंसोलिडेशन कल फेज दिखाया था इसका अपर बैंड ब्रेक करके और भी टूवर्ड्स अपसाइड मूव दिखाए, क्योंकि ओवरबॉट में जाके ये और भी एक्सट्रीम ओवरबॉट बन सकता है। लेकिन जैसे पास्ट एनालिसिस कर रहे हैं ये 70 के पास आके ये थोड़ा सा करेक्शन दिखाता है, तो हमें अलर्ट रहना होगा क्योंकि यहाँ से एक करेक्शन भी आ सकता है। फिर ये 100 ईएमए का ये जो मूविंग एवरेज है यहाँ पर जिसने रेजिस्टेंस का काम किया था ये अभी सपोर्ट का काम कर सकता है, तो इसका सपोर्ट टेस्ट करके फिर यहाँ से अपसाइड मूव दिखे, तो ये पॉसिबिलिटीज है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता, हमें अलर्ट रहना होगा वाइल ट्रेडिंग। तो ये 60 मिनट का चार्ट है, तो इंट्राडे लेवल्स के लिए अगर टूवर्ड्स अगर नॉर्थ साइड ये मूव करता है तो ये जो पीवट पॉइंट का R1 का लेवल है 11,148 इसको ब्रेक करता है तो ही हम इंट्राडे के लिए यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,175, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा
अराउंड 11,198 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये स्विंग हाई था, ये हमारा कल का फर्स्ट टारगेट था, तो इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए आज हम बाय पोजीशन बना सकते हैं। और अगर टुवर्ड साउथ की तरफ अगर ये मूव करता है तो यहाँ पर ये जो बियरिश कैंडलस्टिक का ये जो लो है यानी 11,075 यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने रेजिस्टेंस का काम किया था यहाँ पर, तो ये अभी सपोर्ट का काम कर सकता है, तो इसे ब्रेक होने दीजिए। अगर ये लेवल को अगर ये ब्रेक करता है निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड साउथ की तरफ तो ही हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा S1 का पिवट पॉइंट का लेवल जो कि 11,055 के पास है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 100 EM एज पर 60 मिनट चार्ट 11,014 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।